आपको समझ नहीं आ रहा, उठाए इसको अभी। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं खातून ट्रैफिक इंस्पेक्टर से, जिनका मानना है कि लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक का पहिया रवा दवा रखने के लिए तजावुजात और रॉन्ग पार्किंग का खात्मा जरूरी है। इन्होंने तबाही मचा दिया ट्रैफिक की, वन वे वालों ने पकड़ लिया 3 बाइक्स, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। जब से मैं इधर तैनात हुई हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि ये जो रोड है नियाजी अड्डे वाली, ये बहुत ज्यादा मसरूफ तरीन रोड है, जहाँ पे यतीम खाना मार्केट है, यतीम खाना चौक है, नियाजी अड्डा है, बहुत ज़्यादा बसों की भरमार है, गाड़ियों की, रॉन्ग पार्किंग की, यहाँ पे इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट है गोल्डन मार्केट, उसके बाहर आपने जैसा कि देखा कि लोगों ने फट्टे लगाए हुए हैं बाहर, सामान कपड़े जूते खिलौने हर चीज़ मतलब यहाँ मार्केट में अवेलेबल है, हर चीज़ उन्होंने बाहर लगाई हुई है, और बहुत ज़्यादा रॉन्ग पार्किंग है। जो रॉन्ग पार्किंग ट्रैफिक के बहाव में ये खलल पैदा कर रही है, और खलल पैदा करने के साथ साथ यही रॉन्ग पार्किंग और इंक्रोचमेंट एक्सीडेंट का बाइस मार रही है, जिससे बहुत सारे लोगों की जाने जाने का खतरा है। और हमें जो टास्क दिया गया है हमारे अफसरान बाला की तरफ से रॉन्ग पार्किंग ख़त्म करने का, इंक्रोचमेंट ख़त्म करने का, हम इंशाल्लाह इस पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं रॉन्ग पार्किंग का और इंक्रोचमेंट का खात्मा करूँ। हम शहनाज साहिब और उनकी टीम के साथ चलेंगे और आपको ऑपरेशन दिखाते हैं। ले जाए वन वे, क्यों आ रहे हैं आप, क्यों आ रहे हैं, चले इसको लेके पीछे, खबरदार आइंदे के बाद वन वे आए, ले जाए इसे, आप लोगों ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई हुई है ट्रैफिक की, चले वो पीछे भी वन वे आ रहा है, इन्होंने तबाही मचा दिया ट्रैफिक की, वन वे वालों ने पकड़ लिया 3 बाइक्स, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। फौरी तौर पर गोल्डन मार्केट पहुंचे, फौरी तौर पर। ये मैंने आपको कितनी दफा समझाया है, कितनी दफा मैंने आपको समझाया कि चीजें ले जाएं, उठा के निकाल लेंगे, उठाए 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 उठाए, आपको समझ नहीं आ रहा, उठाए ये उठाए उठाए, कि मैं कोई लादा, मैं फारसी में बात कर रही हूँ, उठाए इसको अभी, उठाए इसको, उठा रहे हैं, पीछे हो, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। आपने ये इलीगल पार्किंग करवाई हुई है, ये लीगल पार्किंग नहीं है, ये देखें कितनी आपने लाइनें लगाई हैं, एक दो आप लोग बाज आएंगे या नहीं आएंगे, फिर आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें तो आप लोग चीखते हैं, हम लुट गए, मर गए, रुड़ गए हम लोग। ये लगी मार्केट की, अभी कैसे निकलेंगे, ये शाम हो के निकालेंगे, आपको पता है ये 3 लेन बन रही है वहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए, फिर 2 लेन्स में आपने मोटरसाइकिलें लगाई हुई हैं, आधा सड़क पे आप लोग हैं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मजबूरी है कि मार्केट की मोटरसाइकिल कहाँ जाएगी, मजबूरी है, यहाँ पे मार्केट होगी कितनी मोटरसाइकिल होगी, ये पार्किंग किसने अलाउ की, ये सब सरकार की जगह है, सड़क है, कैसे कहाँ से लाहौर पार्किंग की, आप दिखाएं रसीद, दिखाएं ये देखें, ये रसीद नहीं है, ये रसीद कहाँ की है, ये तो फेक बनी हुई रसीद, आपने खुद ही बनाई हुई है, नहीं नहीं हम तो वर्कर है, अच्छा कहाँ के वर्कर है, ये गवर्नमेंट के ही लोग हैं, सरकार है, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, ये मार्केट जो है इनकी मोटरसाइकिल कहाँ जाएंगे, अभी होते हैं आए दिन चोरी हो रही है मोटरसाइकिल, उसका जिम्मेदार कौन है, जारी बात है, अगर ये आप इतने जिम्मेदारी ली हुई, यस सर, ऑपरेशन के दौरान आपको मजम्मत का सामना भी होता है, नहीं मुझे मजम्मत का सामना नहीं होता, मेरी जो टीम है जो नवाकोट में मेरे मातहत वार्डन भाई काम कर रहे हैं, जो मेरी टीम है ये मेरे बाजू हैं, और ये बहुत अच्छी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, जैसे मैं इन्हें कहती हूँ वैसे ये कर देते हैं, इसलिए जो बात जो काम जो मेरे लिए मुश्किल होते हैं वो मतलब ये जो मेरे वार्डन भाई हैं जो मेरी ड्यूटी मेरे अंडर ड्यूटी करते हैं ये बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं। आप इधर खड़े हैं, आपको पता कि आपने पीछे सारी ट्रैफिक ब्लॉक की हुई है, पीछे देखें आपकी वजह से कितने लोग मुश्किल में ये साइड में खड़े साइड में इधर ही रिक्शा लगाते हैं, सड़क का बीज है भाई, वो आपके बाद निकाल लेते हैं अभी, आप बता दें अभी, अगर ट्रैफिक पुलिस ना आती तो आपने नहीं निकालना था,
निकाल लेना, सवारी उठानी चले जाना हम लोगों ने अभी। अभी ये देखिए वो कैसे आराम से खड़ा हुआ है रेड़ी वाला, आप उसकी तरफ देखें, उसने ये छतरी लगाई हुई है, कुछ जगह छतरी ने घेरी हुई है, कुछ ये है, कुछ लोग जो इसके इर्द गिर्द खरीदने वाले हैं वो है, ठीक है, उसे कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इतनी इतना हम कार्रवाई कर रहे हैं, उसने ये नहीं सोचा कि मैं इसे पीछे कर लूँ, इन लोगों को कहना पड़ता है, कहना पड़ता है तो ये करेंगे, वैसे ये नहीं करेंगे। ये देखिए आप, ये पार्किंग गलत पार्किंग की हुई है गाड़ी, ये गलत पार्किंग हुई, इनको कोई पता ही नहीं है ये कैसे बैठे हैं, मोबाइल लगा के वीडियो चला के बैठे हुए हैं। गाड़ी यहाँ पे खड़ी की हुई है। नहीं वो लड़का गया आ रहा है, कोई पता नहीं गया, वो सामने गया, कोई पता नहीं है भाई रवाम के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। ये ग्राम से रॉन्ग पार्किंग में क्या करेंगे आप लोग, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, चलान करेंगे इसका, बीच सड़क में खड़े में इसी तरह इसका चलान करें भाई, इन्हें चलान दे, टिकट दे इन्हें, देने चलान देने। बारह है बेटा, आप अपना डॉक्यूमेंट्स ले, मुझे लाइसेंस आईडी कार्ड दे अपना। आप लोगों को ना एहसास होना चाहिए यार कि पीछे पब्लिक है, आवाम उन्नास है, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें यार, मुश्किल ना पैदा करें मेरे भाई, अगर ऐसा करेंगे तो कोर्ट के आर्डर के मुताबिक आपको। आपको पता नहीं है कि गाड़ी यहाँ पर नहीं खड़ी करनी, वो कह रहे ना कि चलान होएगा चलान होएगा। ये हमारे साथ मौजूद हैं, देख लें आप अपना लाइसेंस आईडी कार्ड। जी वालेकुम सलाम। अपना लाइसेंस आईडी कार्ड दिखाएं मुझे अपना पहले। के पास है रॉन्ग पार्किंग की, आपको पता है ऑनरेबल ऑनरेबल कोर्ट के ये ऑर्डर्स हैं कि जो रॉन्ग पार्किंग करता है उसको 2000 रुपए का फाइन दे, और मेरे ख्याल आपका लाइसेंस भी नहीं होना छोटे जितना, आप अपना डॉक्यूमेंट्स चेक करवाएं बेटा। नहीं फोन नहीं, आप मुझे ये बात करवा रहे हैं टेलीफोन पे ट्रैफिक पुलिस को कि आप बात करें, गाड़ी नहीं हटा रहे, ना इनके पास लाइसेंस है ना इनके पास कागज है, और आपने देखा कि कैसे ढिटाई के साथ उस तरफ से इस तरफ आकर फ्रंट सीट पर बैठ गए। किधर ना जी साहब, ये तो सुन ही नहीं रहे। हाँ जी आए 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 बेटा, बाहर आए बाहर आए, इस साइड पे हो जरा, मैं निकालती हूँ भाई, ये कैसे नहीं निकलेगा, चले भाई बाहर आओ, आओ भाई बाहर आओ, चलो बाहर आओ, इधर इधर आओ भाई, रहे चले 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 बंद करें इसे। हाँ जी इधर सामने खड़े हो जी। बेटा अपना आईडी कार्ड दिखाएं मुझे। सर आईडी कार्ड मेरा नहीं बना। आपका लाइसेंस किधर है? वो जिसने गाड़ी चलाई है उसके पास गया ना, सब वो ही चला सीट पे बैठे हैं जब गाड़ी चला रहे हैं। मींस आपके पास? मैं तो उधर बैठा था साथ वाली सीट पे। ड्राइविंग सीट पे आए ना? मैं आया हूँ ना, मुझे चलानी आती थी, मैं आया हूँ ना इसलिए कि गाड़ी आगे पीछे थोड़ी सी कर दूँ मैं। आपको चलाने आती है गाड़ी आगे पीछे कर सकते? जी सर। तो फिर यहाँ गाड़ी क्यों लगा दी, इतनी ज्यादा जगह पड़ी हुई है? वो जो है ना हमारे बड़े, वो सामने गए इसलिए इधर गाड़ी लगा के गए। तो जितनी देर के लिए भी गए, ये जगह है गाड़ी खड़ी करने की? सिर्फ 5 मिनट के लिए। आपकी वजह से कितने लोग मुतासिर हो रहे? चलो माजरत है, सॉरी करते हैं, माजरत कर रहे हैं इससे इनको। सॉरी क्या करेंगे अब, इसको चलान तो इसका बनता है ना जी। ये देखें अब इसने कितना रॉन्ग, आपने ये ट्रैफिक के बाव में खलल पैदा किया, चलान तो हम आपको करेंगे, ये मैं इंशाल्लाह क्लियर करूंगी इंशाल्लाह। ये अभी आप मुझे देखेंगे, आप देखें मैं कैसे इनके खिलाफ कार्रवाई करती हूँ, और ये कैसे भागते हैं रिक्शे वाले, रॉन्ग पार्किंग में लगाई हुई है, ये सामने गाड़ी देखें, वो गाड़ी में मौजूद भी है, गाड़ी में ये देखें जी बड़े आराम से बैठे हैं, ये देखें पीछे क्या हो रहा है, अस्सलाम वालेकुम, ये देखें आपने कितनी गलत गाड़ी लगाई हुई है, आप पीछे तो देखें, निकल के तो देखें क्या शिर किया हुआ आपने। ये सही लगाई हुई आपने गाड़ी? नहीं नहीं लगाई तो गलत ही है, लेकिन वो बाकी रिक्शे वगैरह भी खड़े, इसलिए खड़े हो गए थे हम लोग। अच्छा रिक्शे खड़े थे इसलिए आप भी खड़े हो? हाँ जी। ये देख लें एक दूसरे को, देखम देखी लोग खड़े हो जाते हैं, फिर यहाँ से गुजरने की जगह नहीं है। हाँ ऐसे ना करें, निकालें गाड़ी यहाँ से, आप तो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे शहरी हैं, अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर हम दूसरे ये रिक्शे वाले लोगों से दूसरे लोगों से क्या उम्मीद रखेंगे। अब आप अपनी गलती मान रहे हैं? मान रहे हैं जी, बिल्कुल मान रहे हैं, गलत गाड़ी पार्क की आपने। हाँ जी बिल्कुल की है, गलत की है। देखा कुछ लोग गलती नहीं मानते हैं, इन्होंने गलती मान ली अपनी।